नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए चैप्टर में। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे दोस्तों कि सर सरलीकरण का चैप्टर कराइए, क्योंकि सरलीकरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर अगर हम बात करें, चाहे आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से एग्ज़ाम, यानी कि एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम, अगर हम बात कर लें एसएससी जीडी की या फिर एसएससी सीजीएल की बात कर लेते हैं, तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए बेसिक से एडवांस तक अगर आप लोग सरलीकरण सीखना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देख लेना। आपको सरलीकरण के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम से, पूरा का पूरा पूर्ण रूप से करा देंगे। जैसा कि देखिए रेलवे का एग्जाम भी टीसीएस करा रही है इस समय, और एसएससी का एग्जाम भी भाई टीसीएस ही करा रही है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम रेलवे को खासकर, यानी कि भाई रेलवे को एकदम से हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि रेलवे के बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। तो रेलवे वाले बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि चाहे एनटीपीसी का बच्चा हो, चाहे भाई रेलवे एसआई की, यानी कि जो आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहा है, या फिर एएलपी टेक्नीशियन, या फिर एसएससी जीडी, या फिर सीपीओ, या फिर एसएससी सीजीएल, किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठ सकते हैं। सरलीकरण के जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे पूरा का पूरा उड़ा दोगे, ठीक है। बेसिक सा फंडा होता है यार, आपको बोर्ड मार्क्स के नियम आना चाहिए, या फिर आप लोगों को भाई सीधी सी बात है इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग क्यूब ये सब आना चाहिए, तो आपका एकदम आसानी से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि 23 × 552 / 24 प्लस का 23 बटे में फिर दिया गया है 552 / 23 - 1, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसे हम भाई बेसिक में लिख लेते हैं, यानी कि 23 × 552 इसके बटे में 24 है, यानी कि भाग को जब बटे में जाएगा भाग से तो 24 हो जाएगा, प्लस का 23 कर देते हैं, फिर पूरे का बटे लगा दीजिए 552 बटे में यहाँ 23 लिख देंगे, उसके बाद माइनस 1, ठीक है। 23 × 23 = 24 / 552 और देखिए 24 × 24 = 23 / 552 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 23 रहेगा। ये देखिए ये 23 × 23 हो जाएगा, यहाँ देखिए 23 × 23 हो जाएगा ऊपर। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ जो जो बचेगा, ठीक है, जो जो बचेगा मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना बचा 24, और देखिए 24 में से एक जाएगा 23 बचेगा, और ऊपर 23 × 23 है, यहाँ इतना बचेगा, यानी कि भाई लिख लेना आप लोग 23 × 23, और इधर बचेगा आप लोगों को धन का, यानी कि प्लस का 23, ठीक है, बटे में हमारा 23 है, तो 1 23 से 1 23 ये कट जाएगा, इसमें से भी 1 23 से 1 23 कट जाएगा, मतलब अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग आप लोग लिख लेना यार, पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बच जाएगा, तो भाई ये 23 और 1, यानी कि 23 × 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 हमारा ऑप्शन में जो होगा वही सही होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई, ये देखिए ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्क्रीन पे नहीं आ पाता, इसीलिए भाई हम यानी कि उसे नहीं दिखा पाते पीछा, तो आप लोग भाई पूरा पूरा समझ लेना और कर लेना बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि दूसरा नंबर बहुत ही सरल है, और ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। 5/4 और धन का 3/5 माइनस का 9/10 दिया है, तो पहले देखिए ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हमारा हर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जो होता है उसे हम अंश बोलते हैं, और नीचे जो होता है वो हर होता है बटे के, ठीक है। तो हर को बराबर, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, यहां आप लोग एलसीएम लीजिए, यानी कि 4, 5 और 10 का जो हमारा एलसीएम आएगा, 4×5 = 20, यानी कि 20 एलसीएम आएगा, तो कितने बार में आए, 5 बार में 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और देखिए 5 की पावर में 20 बार, यानी कि 20 कितने बार में आता है, 4 बार में तो 4×3 = 12 हो जाएगा, 10 में 2 बार में तो 9×9 = 18 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ घटा लीजिए भाई, देखिए यानी कि यहाँ 18 में से 12 जाएगा, तो माइनस का हमारा 6 बचेगा, और 6 में से अगर हम भाई घटा देंगे 25 को, तो हमारा कितना बचेगा, 19, यानी कि 19/20 आ जाएगा। अगर इसमें भाग दे देंगे तो देखिए यहाँ भाग दीजिए, 0 बार जाएगा, क्योंकि 19 छोटा है 20 से, तो 0 बार जाएगा, और भाई दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये भाई 0 से 0 काट दीजिए, उसके बाद देखिए, यानी कि उसके बाद यहाँ ऐसे ही कर लीजिए, 2 9 18 1 बचेगा, 2 5
10, ठीक है, यानी कि 0.95 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में है 0.95, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेना है, उसके बाद जोड़ घटा देना है, ठीक है। लासा मासा तो आपको आता ही होगा यार, ठीक है, मैंने आपको चैप्टर करा भी चुका है, यानी कि एचसीएफ एंड भाई एलसीएम एंड एचसीएफ का पूर्ण रूप से चैप्टर करा दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर बहुत ही लाजवाब सवाल है, इस प्रकार के सवाल में बच्चे अक्सर गलत करके चले आते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। देखिए यहाँ कहा है रोड, फिर कोष्टक में दिया है 189 माइनस एक्स बराबर करके दिया गया है रोड 178 माइनस, फिर रोड के अंदर 81 दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से दिया जब बराबर के, यानी कि इधर भी रोड है और बराबर के उधर भी है, तो रोड से रोड कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 189 माइनस एक्स बराबर का 178 माइनस का। देखिए ये तो भाई ये रोड रहेगा, यानी कि रोड 81 रहेगा, रोड 81 का मान हमारा 9 होता है, ठीक है 9 होता है। अब देखिए दोस्तों इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो भाई जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए भाई एक बचेगा, यानी कि 189 में से 178 घटाएंगे तो हमारा 11 बचेगा, और ये 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, और इधर x जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, 9 11 20, यानी कि x का मान हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 20, यानी कि x बराबर 20, तो x बराबर 20 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर जहाँ कहीं भी ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा भाई देख लेना, आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा नंबर भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें देखिए रोड के अंदर रोड दिया गया, यानी कि रोड के ऊपर रोड, रोड के ऊपर रोड, इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला बड़ा रोड लगाया, उसके बाद बड़ा यानी कि एक कोष्टक लगाया, उसके बाद दिया 157 माइनस रोड के अंदर 182 माइनस रोड के अंदर 156 रोड के अंदर 169, ठीक है। तो ये 169 किसका रोड है दोस्तों, तो 13 का रोड है, जब 13 में 156 को जोड़ देंगे, ये रूट से निकलेगा 169, तो 13 को भाई 156 में जोड़ेंगे तो फिर से 169 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ये 156 तो भाई ये फिर 13 का रूट हो जाएगा, फिर 13 में से भाई 13 घटा देंगे, यानी कि 182 में से 13 घटा देंगे क्योंकि बीच में माइनस के चिन्ह लगा है, तो भाई घटा देंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 169 आ जाएगा, फिर 169 का ये कितने का रूट होता है 169 13 का, तो 13 फिर से घटा देंगे 157 में से, रूट 157 में से 13 घटाइए कितना आएगा दोस्तों, ये 4 आएगा और ये 4 और 1, यानी कि 144 और 144 दोस्तों हमारा 12 का रूट होता है, तो आंसर कितना आ गया 12, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि रूट ये आंसर 12 कैसे निकल कर आया, तो मैं फिर से बता दूं भाई, देखिए अब आप लोग छोटे नहीं हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी प्रकार करना। देखिए यहां ये कितने का है भाई रूट, ये हमारा कितने का है, तो ये हमारा 13 का वर्ग रहेगा, ठीक है 13 का 169 होता है, जब 13 यहाँ प्लस लगा है बीच में तो प्लस जोड़ दीजिए 156 में जोड़ेंगे तो हमारा 169 आ जाएगा, 169 कितने का होता है दोस्तों, तो 169 हमारा कितने का होता है 13 का, जब 13 182 से घटा देंगे तो हमारा फिर से 169 आ जाएगा, 169 मैंने बताया कि फिर से 13 का होता है, तो 13 फिर से घटा देंगे 156 में, 156 से जब 13 घटा देंगे तो 144 आएगा, और 144 रूट कितने का मान होता है 12 का होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है, जिस प्रकार से मैं निकाल कर बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो भाई एकदम से उड़ा देना, ठीक है एकदम से धुआं धुआं कर देना। अब देखिए आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है। देखिए इसमें कहा है कि मझला कोष्टक में दिया है 2 की पावर 4, उसके बाद भागे 8, फिर देखिए मझला कोष्टक बंद और पूरे का भाई पावर जो दिया है 4, प्लस में इधर दिया है रूट के अंदर 135 माइनस रूट 196 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसे करना है, सबसे पहले इसे करने के लिए भाई भाग नहीं दे देना, सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 2 की पावर 4 है तो 2 दुना की 4, 4 दुना की 8, देखिए 2 दुना की 4, 4 दुना की 8, 8 चौ 8 दुना की 16, ठीक है।
16। अब 8 से भाग दीजिए, 8 दुना 16, यानी कि यहाँ कुल मिलाकर 2 आएगा पूरा का पूरा भाग देने पर। यहाँ देखिए मैं आपको पूर्ण रूप से बता दूं, यहाँ जब इससे भाग दोगे 16 में तो 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर यहाँ 4 हो जाएगी। उसके बाद प्लस ये रूट वाला सिलसिला आप खत्म करिए, 135 माइनस, देखिए माइनस लगा है और ये कितने का भाई वर्ग है, ये हमारा 14 का है, ठीक है 14। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 दुना की 4, 4 दुना की 8, दुना की 16, प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों, यहाँ से घटा दीजिए, ये भाई कितना बचेगा 5, कितना बचेगा घटाइए देखिए, यानी कि 139 में से हमें घटाना है 114, तो भाई 5 4 9 होता है 5, और ये हमारा कितना बचेगा दोस्तों, ये हमारा बचेगा 2 और 1, 125 बच रहा है, ठीक है 135 है ये क्या यार, 135 है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, ये 135 है, ठीक है घटाइए 1 बचेगा और ये 2, 121, ठीक है कितना आएगा यहाँ, बहुत भाई वो हो गया, फिर से एक बार समझ लो, देखिए ये जो है 2 की पावर 4 जिसका मान है, तो ये 16 है, 8 में यानी कि 16 में 8 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 16 होता है मैंने बताया, और ये तो पूरा का पूरा मान 16 आ गया। प्लस अब देखिए ये इसे कर लेते हैं, तो ये 135 है रूट में, और 135 माइनस ये हमारा 14 का है, 196 14 का है, तो ये 14 घटा देंगे, जब 14 घटाएंगे 16 धन 14 घटाएंगे तो भाई ये हमारा कितना बचेगा 121, यानी कि 121 ये किस कितने का मान है भाई, ये 121 11 का मान है, 11 और 16 मिलकर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 और 16 मिलकर जोड़ लीजिए भाई 7 हो जाएगा, और ये हमारा 1 1 2 27, ठीक है 27 आ जाएगा, तो 27 किस ऑप्शन में है, 27 ऑप्शन नंबर सी में। बहुत सारे बच्चे निकाल लेंगे, कहेंगे कि सर आप थोड़ा सिलो ये वाला चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो मैं कहूँगा दोस्तों देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सरलीकरण में बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा बेसिक से बताना पड़ता है, ठीक है तो आप भाई अगर ब्रिलियंट हो, मैं मानता हूँ कि आप तुरंत कर लेते हो, तो भाई आप लोग थोड़ा अपने भाइयों और बहनों को साथ में लेकर चलिए ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए दिया गया है एक्स क्यूब भागे 11 और 968, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है यहाँ करना कुछ नहीं है, एक्स क्यूब लिखा है, जिनको नहीं समझ में आता ये भाग भाग का मतलब बटे होता है, 11 लिख लीजिए, उसके बाद बराबर में 968, ठीक है इसका गुणा कर दीजिए, जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 11 88 की 8, हासिल आए 8, 11 6 66, 67 68 69 70 71 72 73 74 की 4, हासिल आए कितना 7, उसके बाद देखिए अब कौन सी संख्या बचा 9 11 9 99, 99 में 7 जोड़ दीजिए 99, 100 106 हो जाएगा, और ये कितने का दोस्तों वो है 106, यहाँ पूर्ण रूप से यानी कि 106, ये देखिए इतना लिखना है, ठीक है 106 48, चलिए मैं बता देता हूँ कि ये अगर गुणा कर दोगे इसमें तो एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा 106 148, इतना आएगा, और ये हमारा कितने का है 22 का क्यूब है, ठीक है तो अगर आपको याद है तभी आप आएगा, वरना आप लोग गुणा कर लीजिए इतना ही आएगा, ठीक है इस प्रकार से भी निकाल लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कम से कम 30 तक वर्ग और 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग आंख मूंद कर पाओगे, ठीक है वरना आप लोग सोचोगे कि सर आपने कैसे कर दिया भाई, या तो गुणा करो करते रहो गुणा, ठीक है या फिर आपको याद है तुरंत कर लीजिए। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 गुणे 132 भागे 12 प्लस यानी कि प्लस 11, उसके बाद 108 भागे दिया गया है 9 माइनस 1, ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था इस प्रकार के सवाल उसी टाइप का सवाल है, ठीक है उसी टाइप का सवाल है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो चलिए दोस्तों आपको देख यानी कि इसको भी पूर्ण रूप से सॉल्व करा देते हैं, तो यहाँ सॉल्व करिए 11 गुणे 132 बटे में 12 प्लस का 11 दिया गया है, फिर पूरे का बटे 108 बटे में 9 और माइनस को 1, तो देखिए ये 12 बार में कट जाएगा, उसके बाद ये भाई देखिए काट लीजिए 12 1 12 यानी कि 11 बार में कट जाएगा, वही सेम बचेगा यानी कि सीधा सीधा अगर मैं बात करूं देखिए ये 12 में से एक जाए 11 बचेगा, और ये 11 से 11 कट जाए 11 1 12, ठीक है 12 आएगा हमारा आंसर। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आप कैसे कर देते हो, ठीक है इसी प्रकार तो कर रहे हैं आप, जिस प्रकार से करना चाहिए शॉर्ट में, ठीक है
भाई देखिए, इस 12 से इसमें भाग देंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, यहीं समझ लीजिए। ये 9 से इसमें भाग देंगे तो ये हमारा 12 बार में कटेगा, 12 से घटाएंगे 11 बचेगा नीचे, और ये ऊपर हमारा क्या बचेगा, यानी कि पहले ऊपर वाला देख लीजिए, ऊपर 11 गुणे 11 और माइन प्लस का 11, और उसके बाद देखिए नीचे पूरा का पूरा ये 12 में से एक जाएगा तो 11 बचेगा। तो इसे अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, 11 गुणे 11। चलिए देखिए, इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि आप लोग समझिए थोड़ी मेरी बात, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ तब समझ में आएगा कि हाँ सर आप बता रहे हो। ठीक है, देखिए थोड़ा छोटा कर दिया तो अब आपको और लिखने में हमें थोड़ा आसानी होगी। तो देखिए इसे इस रूप में भी लिख सकते हो, जब 11 गुणे 11 धन 11 बटे 11 है तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 11 गुणे 11 बटे में 11 धन 11 बटे 11। ये 11 से ये 11 कट गया, 1 11 1 9 11, तो ये 11 और 1 मिलकर हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ लेना, मैंने आपको विस्तार से भी समझा दिया और वैसे भी समझा दिया, ये 12 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा इसी प्रकार का, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर काटोगे ना तो मैं अगर बता दूँ आपको तो ये देखिए भाई 30 बार में कट जाएगा, चलिए कर ही देता हूँ। ठीक है, ये 30 से हमारा 29 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 29 गुणे 29 और धन का 29 हमारा आ जाएगा बटे नीचे में 29, ये 29 ये 29 कट गया और यहाँ एक आ जाएगा तो 29 धन 1 बराबर 30 हो जाएगा, क्योंकि ये भी अलग प्लस में है तो ये भी तो कटेगा भाई। ठीक है, तो एक बार में कट जाएगा तो एक आएगा, 29 और एक मिलकर हमारा 30 हो जाएगा। 30 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं भाई, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने ये वाले सवाल एकदम से आपको क्लियर करा दिए। चलिए अब देखिए थोड़ा अगला कंसेप्ट देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार के सवाल भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा गलत हो गया, सरल देखकर हमने गलत कर दिया। 48 माइनस बड़े कोष्टक में 15 प्लस मझले कोष्टक में 38 माइनस छोटे कोष्टक में 28 माइनस 7, फिर देखिए छोटा कोष्टक बंद, उसके बाद मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक दिया, फिर बराबर हमसे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि मान पूछा हमसे, तो भाई सॉल्व करिए, 48 उसके बाद माइनस लगा लीजिए, बड़ा कोष्टक है 15 लिख लीजिए, उसके बाद प्लस लगा लीजिए, छोटे कोष्टक में 38 यानी कि मझले कोष्टक में 38 लिखिए, उसके बाद देखिए 28 में से भाई 7 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, ये हमारा बचेगा 21, यानी कितना बचेगा 21 बचेगा, फिर 21 जब कोष्टक से निकलेगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, ये कोष्टक के अंदर रख दीजिए, बंद कर दीजिए, 48 माइनस 15 प्लस का, देखिए इसमें घटाइए 21 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया बड़े कोष्ठक के अंदर, 17 और 15 मिलकर 32, यानी कि 15 दोनों 30 और 2 32, 32 में से 48 घटा दीजिए क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, जब 32 में से 48 घटाओगे तो चलिए घटा कर देख लेते हैं, 32 यानी कि 48 में से हमें 32 घटाना है तो कितना आएगा दोस्तों, 8 में से 2 गए 6 बचेगा, उसके बाद 4 में से 1 गए 1 यानी कि 16 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 16 बचेगा, 32 में से यानी कि 48 में से जब 32 घटाओगे तो 16 बचेगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये भी इस प्रकार का भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के भी कोई सवाल आएंगे तो भाई उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इसमें कहा है कि 31/20 धन 3/10 माइनस 5/4 को हल करना है। ये क्वेश्चन तो आप लोग देख कर ही उड़ा चुके होंगे भाई। देखिए सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन शुरू में ही मैंने बताया कि नीचे वाले यानी कि हर का एलसीएम लेना होता है, तो भाई देखिए हर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा, तो 20 कितने बार में आया, 20 के पहाड़े में एक बार में, तो एक का गुणा 31 में कर दीजिए तो 31 ही आएगा, उसके बाद धन 10 के पहाड़े में भाई दो बार में तो 2 3 6, फिर 4 के पहाड़े में यानी कि 5 बार में तो 5 5 25। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई सॉल्व करिए कैसे होगा, जब 25 में से हम कितना घटा देंगे, 25 में से दोस्तों 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 में 6 घटाएंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, क्या 19 20 21 22 23 24
पच्चीस, ठीक है 19 आ जाएगा। फिर 31 में से माइनस 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 31 में से 19 घटाइए, देखिए भाई 9 10 11 2, उसके बाद ये कितना बचेगा, ये 2 में से एक गए 1 12, कितना बचेगा दोस्तों 12 बचेगा, क्या 12/20, ठीक है 12/20 बचेगा। उसके बाद देखिए भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो 20 जीरो बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 120 हो जाएगा, 20 छंगम 120, यानी कि आप लोगों को आ जाएगा 20 दशमलव लगाएंगे 20 छंगम 120, और यहाँ जीरो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, यानी कि यही एग्जैक्ट मान होगा 0.60। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 0.60, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर 11वां नंबर। और ये कह रहा है कि देखिए 79 माइनस बड़े कोष्टक में 23 माइनस मझले कोष्टक में 84 भागे 7 माइनस फिर से छोटे कोष्टक में 16 माइनस 4 भागे 4, फिर सभी ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी करके, इस प्रकार से आपको इसको सरल करना है। सरलीकरण मैंने आपको पूर्ण रूप से बताता, जिस प्रकार से चला रहा हूँ उस प्रकार से कर लेना, आपका पूरा का पूरा हर एक एग्जाम निकल जाएगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए देखिए इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। इसे देखिए 79 को उसी प्रकार लिख लीजिए, उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए, बड़ा कोष्टक में 23 है तो 23 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस मझला कोष्टक है तो मझला कोष्टक लगाइए, उसके बाद देखिए 7 × 84 होता है तो ये 12 में कट जाएगा, उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए, देखिए 16 में से 4 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 12, कितना बचेगा दोस्तों 12 बचेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए ये भाग का चिन्ह है, जब भाग का चिन्ह है तो यहाँ भी भाग लगा लीजिए, यानी कि भाग होगा 4 से, फिर उसके बाद सारे कोष्टक को उसी प्रकार से बंद कर दीजिए, ठीक है। एकदम आसान तरीके से जिस प्रकार से बता रहा हूँ इसी प्रकार आपको करना है, एकदम से आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर से 79 लिखिए, माइनस 23 लिखिए, ठीक है, उसके बाद माइनस मझला कोष्टक लगा लीजिए दोस्तों, उसके बाद देखिए ये यहाँ से अब करना है, यहाँ से नहीं करना, ठीक है। लिखना हो तो भाई इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 12 माइनस कोष्टक में देखिए ऐसे कर सकते हो, 4 से भाग दीजिए 12 में तो 3 बार में, अब देखिए यहाँ से इसे हम हटा के, यानी कि 3 को घटा दीजिए 12 से तो कितना बचेगा दोस्तों 9 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 9 बचेगा। चलिए अब इसे बंद कर लीजिए कोष्टक में, अब यहां से मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए 3 को घटाएंगे यहां से तो 9 बचेगा, ठीक है। 79 लिखिए, उसके बाद माइनस 23 और ये माइनस का, यानी कि ये कोष्टक में माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब 23 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये भी बात हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो 14 बचेगा, कितना 14 बचेगा, यानी 79 माइनस 14। अब देखिए 79 माइनस 14 तो भाई देखिए 79 में से 14 जब घटाएंगे, 9 में से 4 गए हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा, और 7 में से 1 गए 6 बचेगा, यानी कि 65 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 65, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से करना है दोस्तों, मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर थोड़ा कम सही लग रहा, अब देखिए ये वाला कलर सही लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ये 65 दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से अगर आपको बोर्ड मार्क्स का नियम आता है तो भाई ब्रैकेट तोड़ना आता है, तो मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ इसी प्रकार से करना है, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट भाई पहले छोटा कोष्टक तोड़ना होता है, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, यानी कि 3 ब्रैकेट होते हैं, ये छोटा कोष्टक होता है और ये हमारा इस प्रकार का जो होता है मझला कोष्टक होता है, और इस प्रकार का जो होता है हमारा बड़ा कोष्टक, और ये रेखा कोष्टक होता है, ठीक है, 3-4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 49 माइनस बड़े कोष्टक के अंदर 16 प्लस मझले कोष्टक के अंदर 39 माइनस 29 माइनस 7, फिर सभी कोष्टक को बंद कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व जब करेंगे तो देखिए 49 को ज्यों के त्यों लिख लेंगे, उसके बाद माइनस बड़े कोष्टक के अंदर 16 को लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, उसके बाद देखिए 39 लिखा है तो यहाँ मझले कोष्टक के अंदर 39 को लिख देंगे, ठीक है, उसी प्रकार ज्यों का त्यों लिख देंगे, उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ 29 यानी कि 29 में से 7 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों 22 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 22 बचेगा। अब देखिए यहाँ 22 हम लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए प्लस का 22 रहेगा लेकिन यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, 22 हो जाएगा माइनस का, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, अब इसे हम कोष्टक के अंदर फिर उसी प्रकार से बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर से घटाइए, 49 लिखिए, उसके बाद माइनस 16 लिखिए प्लस का। देखिए 39 में से 22 को घटा दीजिए, देखिए यहाँ कितना बचेगा, 7 और यहाँ 1, यानी कि 17 बचेगा। ठीक है, 17 यहाँ 17 बचेगा और ये प्लस का चिन्ह लगा है, कोष्टक हटाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, केवल बड़ा कोष्टक रखिए। अब 49 लिखिए, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, 17 और हमारा 16 और 17 कितना हो जाएगा, 16 दुना 32, 33, यानी कि 33 हो जाएगा। अब 49 में से 33 को घटा देंगे तो कितने बचेगा दोस्तों, यानी कि 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए भाई 3 गए 6, यानी कि 1 बचेगा। यानी 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 49 में से भाई पूरा 33 घटाएंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ घटाना आना चाहिए, ठीक है, जैसे भी घटाओ आप लोग, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, 16 किस ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आसान तरीके से आपको कर लेना है। मैंने देखिए आपके लिए भाई बहुत ही मेहनत के साथ पीडीएफ बनाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोगों को करना है क्या कि चैनल पर पहली बार आए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं इतना ही आपसे चाहता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सरलीकरण के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कहा है कि 30 गुणे 930 भागे 31 धन का 30, और यहाँ 930 बटे के नीचे दिया है भागे 30 माइनस 1, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसे देखिए इस रूप में लिख सकते हैं, 30 गुणे 930 धन का 30 लिख लीजिए, यानी कि प्लस का 30 लिख लीजिए, उसके बाद बटे में, यानी कि पूरे का बटे हम कहें तो पूरे का बटे लगा लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पूरे का बटे नहीं, फिर से थोड़ा सा देखिए मैं तरीका आपको बताता हूँ सही से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 30 लिखिए गुणे में 930 लिखिए, उसके बाद बटे में देखिए 31 है ना, यहाँ 31 लिख लीजिए, उसके बाद प्लस का 30 है, ये देखिए प्लस का 30 से 30 लिख लीजिए, उसके बाद पूरे का बटे अब लगाइए, उसके बाद 930 लिखिए, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बटे में 30 करना है माइनस का 1। इस प्रकार से आपको लिख लेना आसानी होगी। तो देखिए जब 31 से 9 तो 930 को काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 30 से 930 को काटेंगे तो 31 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इधर देखिए लिखते हैं 30 गुणे 30 धन का 30, ये आ गया ऊपर का हिस्सा। अब नीचे देखिए बचा क्या, ये 31 है और ये माइनस का 1 है, तो 31 में से माइनस 1 घटाएंगे तो हमारा 30 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसे काट, या तो इसे इस प्रकार भी ले सकते हो, 30 गुणे 30 बटे का 30 और धन का 30 बटे 30, अलग अलग लिख लोगे तो काटने में थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए ये 31 से 31 कट गया, उसके बाद 30 का 30, यानी कि 30 इधर बचा और धन का 1 ये, यानी कि प्लस का 1 ये, तो 30 और 1 मिलके हमारा 31 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखिए भाई एक ये 30 बचा है और एक धन का ये प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस 1 बचा काटने पर, तो 30 और 1 हमारा मिलकर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। 31 किस नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब इसे मैं ट्रिक से बता दूं, आप लोग इसे ट्रिक से कैसे कर पाओगे, तो दोस्तों मैंने आगे के क्वेश्चन में ट्रिक नहीं बताई, तो ट्रिक देखिए, जब दो संख्याओं का गुणा हो इस प्रकार, देखिए यानी कि जैसे कि 930 है, एक संख्या सेम हो और दूसरी नीचे जो बटे में दी गई है एक संख्या हो, ट्रिक समझिए भाई, देखते ही उत्तर कर दोगे। इस प्रकार की पूरी यूट्यूब पर ट्रिक नहीं मिलेगी, मैं बता दूं एकदम फ्री में, बहुत ही लाजवाब ट्रिक। देखिए जो ये संख्या शुरू की दी रहती है ना, जब इस प्रकार दो संख्याओं से गुणा हो और भाग हो, इस प्रकार से वही संख्या से नीचे गुणा हो और थोड़ा सा बदलकर एक संख्या कम या ज्यादा भाग हो, तो ऊपर वाली जो दो संख्याओं से गुणा है ना, जो ऊपर वाली संख्या, ट्रिक समझिए मेरी बात को जो बता रहा हूँ, ऊपर वाली जो संख्या है भाई, जो दो संख्याओं से जब गुणा है ना, तो पहली संख्या जो छोटी संख्या है उसे एक बढ़ाकर लिख देना है, उससे एक बढ़ाकर लिख देना है। ठीक है, 31 आ जाएगा आंसर। जैसे कि यहाँ 24 लिया होता, जैसे कि 24 गुणे यहाँ और कोई संख्या दे देता, 332 दे देता, तो यहाँ नीचे दे देता भाई, मान लो कि 332
गुणे भाई यहाँ मान लो कि 16 दे देता, या यहाँ भी 16 दे, यहाँ मान लो 17 दे देता, ठीक है यहाँ 17 दे देता, इस प्रकार से देता। यहाँ प्लस का आपको दे देता भाई 24 और माइनस का यहाँ 1 दे देता, ठीक है इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन जाता। तो यहाँ ये 24 जो है इसे हम 1 बढ़ाकर लिख देते, यही हमारा आंसर हो जाता 25, ठीक है। इस प्रकार से कोई संख्या दे दे तो 1 बढ़ाकर लिख देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, बस देखते ही उत्तर कर देना मेरे भाई। ये ट्रिक मैं सब अपने से बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की YouTube पर आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आप लोग चाहे जितना कोर्स ले लो, ठीक है मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्के मत लेना। इसे देखिए सॉल्व करने का मैं तरीका बता देता हूँ, एग्जाम में आप लिखते रह जाओगे, ठीक है। पहले तो देखिए एक रोड दिया गया है पूरे का, ठीक है ये देखिए ये वाला पूरा का पूरा रोड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कोष्टक लगाया, फिर उसके बाद रोड दिया गया है, फिर उसके बाद रोड के अंदर है, फिर उसके बाद रोड के अंदर है, ठीक है। यानी कि 3-4 रोड दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए 343 रोड में, फिर उसके बाद -380 है, उसके बाद -343 है, उसके बाद भाई प्लस का 324 है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं इसे सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका। 324 कितने का वर्ग होता है, 18 का, तो भाई ये 18 का वर्ग है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है तो जोड़ दो इसे 343 में 18, यानी कि 18 जोड़ोगे तो भाई कितना आ जाएगा हमारा 361 आ जाएगा। 361 ये रोड में आएगा, ये कितने का वर्ग है 19 का। अब देखिए यहाँ भाई ये 61 आ गया तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, ध्यान से देखिए मेरी बात को, यहाँ फिर माइनस लगा लीजिए। इस 19 को इस 180 से, यानी कि 380 से घटा दीजिए, 380 को भाई -19 कर दीजिए, ठीक है। जब -19 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 361 बचेगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी बचेगी, ये वाली 380 वाली 361 बचेगा। और 361 मैंने बताया कि ये 19 का वर्ग है, ये माइनस लगा है तो माइनस यहाँ लगा लीजिए, फिर से इसको घटा दीजिए 343 से। जब 343 से भाई 19 घटाओगे ना तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 324 बचेगा। कितना भाई, रूट का 324 बचेगा। और रूट का 324 कितने का मान है दोस्तों, तो ये मैंने आपको शुरू में ही निकाल कर बताया, 18 का मान है। कितने का, 324 रो दोस्तों 18 का मान है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों, ठीक है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर 18 किस में है, आपको वही टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 18 में है, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही लाजवाब सीरीज हम चला रहे हैं। आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैथ रीजनिंग की दिक्कत नहीं होगी, आप लोग पूरा का पूरा फ्री में कोर्स देख पाओगे, ठीक है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं, आप लोग देखते जाइए और हम कराते जा रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, ना कोई किताब खरीदने की जरूरत है। बहुत प्रचार कर रहे हैं, आपके साथ धंधा किया जा रहा, बिजनेस किया जा रहा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों रोड में दिया गया है 157 माइनस एक्स बराबर, रोड के अंदर दूसरी तरफ दिया गया है 155 माइनस रोड का 121 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के सवाल जब होते हैं बराबर में, तो पहले रोड से रोड कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। रोड से रोड जब कैंसिल हो जाएंगे तो 157 माइनस एक्स बचा, इधर देखिए बराबर के 155, और देखिए ये हमारा 121 जो है माइनस का रूट में है, तो 121 किसका वर्ग है, 11 का, ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस 11, ठीक है। अब देखिए 157 इसे लिख लेते हैं इसी प्रकार, चलिए इसे थोड़ा सा हम हटा देते हैं, थोड़ा सा इसे रफ करते हैं अगर हो जाता है तो, क्योंकि रफ हुआ नहीं करता यार, ये देखिए हो तो रहा। चलिए इसे थोड़ा सा हम मेट देते हैं क्योंकि लाइनिंग खींच गई तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। इसे हम थोड़ा मेट दिए, उसके बाद अब देखिए करते हैं, ठीक है। अब चलिए करते हैं भाई, देखिए इसे हम तो 157 इसी प्रकार लिख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा कलर नहीं हो रहा क्या यार, ये थोड़ा दूसरा कलर ले, वही कलर लेते हैं। देखिए ये चल नहीं रहा यार, थोड़ा सा रफ वाला क्लिक है, ओके चलिए अब चलेगा। 157 ये उसी प्रकार लिख लेते हैं माइनस एक्स। अब 155 में से 11 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, बराबर का 144 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 144। अब इसे पक्षांतर कर लेते हैं, देखिए x इधर ले जाएंगे
तो ये हमारा प्लस का आ जाएगा, और ये देखिए 157 तो इधर ही रहेगा, उसके बाद 144 इधर लाएंगे तो हमारा माइनस का 144 हो जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए भाई x, यानी कि घटा दीजिए यहाँ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर कितना आ जाएगा। देखिए सात में से चार गए तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, सात में से चार जाएंगे तीन बचेगा। ठीक है, उसके बाद पाँच में से चार गया, पाँच में से चार गया एक, और एक एक में से एक गया कट जाएगा, तो x का मान हमारा 13 आ जाएगा। तो 13 ऑप्शन नंबर ए में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि हम खासतर रेलवे को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, ताकि देखिए रेलवे का जो पेपर है TCS कराती है और थोड़ा हार्ड होता है, तो बाकी एग्जाम आपका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दरोगा लेवल का क्वेश्चन है, RPF SI में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कहा है कि 324 का स्क्वायर गुणे 72 भागे 18 की पावर 5 गुणे भाई दिया गया है यानी कि 1021। तो भाई इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे देखिए पहले ऐसे लिखते हैं 324 स्क्वायर का मतलब है, तो भाई तीन यानी कि 324 दो बार लिखा गया है, 324 दो बार लिख लीजिए, गुणे में 72 है तो 72 लिख लीजिए, उसके बाद देखिए बटे में यानी कि भाग का मतलब ये जो भाग दिया गया है ना, भाग 18 की पावर 5, यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूँ तो दिखाई देगा, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, ये जो बटे का मतलब है भाई, तो ये जो बटे का मतलब है भाई भाग, भाग का मतलब बटे होता है, तो बटे में ये पूरा बटे में लिख लीजिए, 18 की पावर 5 यानी कि 18 पाँच बार लिखा है तो 5 बार लिख लेते हैं, 18 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 18। ठीक है, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए फिर ये गुणा लगा है तो गुणा फिर लगा लीजिए, पूरे में गुणा है कितने से, 1021 से। ठीक है, अब काटिए भाई, देखिए 18 18 में भाई कितना होता है 324, फिर 1 18 से 1 18 कट गया, फिर इसी प्रकार 2 18 से ये 324 पूरा कट जाएगा, फिर देखिए 18 18 36 54 4 72। अब 4 का गुणा भाई इसमें करिए, देखिए गुणा करते हैं 4 91 4, यहाँ गुणा करते जाइए, 4 91 4 4 2 9 8 4 0 0 4 91 4 4008 यानी कि 4084 आ गया। 4084 किसमें है दोस्तों, तो देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, 4084 हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना, जिस प्रकार से मैं आपको करा रहा हूँ एकदम आसान तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको करना है, तो 4084 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला नंबर देखते हैं, यानी कि अगला टाइप देखते हैं, ये भी दरोगा लेवल का है, यानी कि थोड़ा भाई हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं आपको हार्ड लगेगा नहीं, आप लोग उड़ा दोगे। ठीक है, थोड़ा इसमें इन सवालों में भाई आधा मिनट से लेकर एक मिनट का टाइम लग जाता है बहुत बार। ठीक है, देखिए ये SI लेवल का सवाल है, यहाँ का है 2/5x, यानी कि देखिए 2x/5 प्लस का 3x/10 और माइनस का 3/5x बराबर 531 यानी कि x का मान हमें बताना है। तो भाई सीधा सी बात यहाँ दिख रहा है कि इन तीनों का LCM जो होगा 10 होगा, यानी कि भाई अगर हम लासा लेंगे तो 10 आएगा। अब 5 के पहाड़ी में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 × 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 4 x हो जाएगा, 10 एक बार में तो प्लस का 3 x हो जाएगा, और माइनस 5 × 10 होता है तो 2 से गुणा हो जाएगा 3 में, तो −6 x हो जाएगा बराबर हमारा 531। अब देखिए 4 × 3 = 7 हो जाएगा, 7 x में से −6 x घटा देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए ये 10 से इधर गुणा हो जाएगा, क्योंकि भाई त्रिक गुणा आपको आता नहीं, इधर नीचे लगा लेंगे तो 1 से गुणा इन सब में हो जाएगा और 10 से गुणा इन में, तो x बराबर देखिए 10 लगा देना है 531 में, 5310 हो जाएगा, 5310 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, देखिए 5310 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही हमारा राइट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 5310। जिस प्रकार से मैं आसानी से बता रहा हूँ ना, देखिए इन सभी का LCM लेना है, 10 LCM आ जाएगा, इसके बाद देखिए ये 3 × 6 6 में से भाई यानी कि 5 × 10 = 4 और 3 हमारा हो जाएगा, यानी कि 2 × 4 = 4 3 = 7 हो जाएगा, 7 में से 6 घट जाएगा तो x बचेगा, और इसका देखिए 10 जब LCM में 10 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो केवल 1 0 ही बढ़ेगा, बाकी सेम संख्या रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया। चलिए दोस्तों
अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जोड़ घटाने वाला सवाल भाई देखिए दरोगा लेवल में पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, कर नहीं पाते हैं ऐसे भी सवाल। ठीक है, ये थोड़ा आपको ईजी लग रहा है लेकिन ईजी नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो देखिए, काय की 15.73, धन का 13.25 और 16.37 माइनस 28.64 बराबर 3x, यानी कि आपको मान ज्ञात करना है भाई, x का मान बताना है कुल मिलाकर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद माइनस वाले से घटा देंगे, उसके बाद इससे हम x का मान निकाल लेंगे। जो तरीका मैंने बताया आपको वही फॉलो करिए। देखिए पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, एक एक अंक जोड़िए, पहले दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं, 5 3 8 और उसके बाद देखिए 8 3 हमारा 11 हो जाएगा, 11 3 हमारा 12 13 14 हो जाएगा, 14 की 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, जिस प्रकार से मैं जोड़ते जा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको जोड़ना है, आपका पूरा का पूरा सवाल एकदम से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर से एक बार जोड़ते हैं, देखिए भाई 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8, 8 3 11, यहाँ थोड़ा सा भाई 11 होगा। ठीक है, यहाँ 4 नहीं बल्कि 11 होगा। चलिए तो थोड़ा सा जोड़ने में अगर आप लोग गड़बड़ कर दोगे, जैसे देखिए कभी कभी गलत हो जाता है यार, 11 हो जाएगा, 11 की 1 हंसी लाएँ 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ जोड़िए, 7 2 हमारा कितना हो जाएगा, 9 9 7 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 16 और 1 हासिल, 17 की 7 हासिल आए, फिर से 1। ठीक है, अब देखिए 6 और 3 9 9 3 हमारा कितना हो जाएगा, 9 5 हमारा 14 14 1 हमारा 15 की 5 हासिल आए कितने दोस्तों, फिर से जोड़िए, थोड़ा सा मिस हो रहा है, थोड़ा सा मिस हो रहा है क्या, 5 बाकी सही है, यही आएगा 5 आएगा, 15 की 5 हासिल आए, फिर से 1। अब देखिए 1 1 2 2 1 3 और 1 4, तो अब देखिए 45 71 आ गया, उसके बाद हमें 45 71 नहीं लिखना, 2 अंक के बाद सभी जगह दशमलव लगा है तो 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगा लेना है, 45.71। अब देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, -88.64 को हम माइनस लगा कर लिख लेते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं, उसके बाद इसे हम उसी प्रकार लिख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई इसे लिख लेना है, यानी कि 28.64 को हमें लिख लेना है बराबर में, बराबर में अगर हम इधर लिख दें तो देखिए थोड़ा सा ये लाइनिंग हो जाती है यार, पेन हमारा आज देखिए मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लाइनिंग हम जो लिख देंगे, यानी कि बराबर के इधर 3x। अब देखिए इतना सॉल्व कर लिए तो आपका सवाल हो गया। अब जब 45.71 में से 28 घटाएंगे तो घटा लीजिए 17 हमारा आएगा दोस्तों, ये घटाइए, आप लोग घटाइए, तुरंत घटाइए, आप लोग मुझे मत देखते रहिए, घटाइए अपने रफ भाई निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, घटाइए तो कितना आ जाएगा, चलिए मैं घटा देता हूँ, 17.07 आएगा। ठीक है, बराबर 3x। अब देखिए 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 3 9 3 4 3 5 15 3 5 15 बराबर के, एक्स के बराबर 3 5 15। अब देखिए यहाँ दशमलव लगेगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बचेगा 207 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भाई यहाँ 2 बचेगा 2 तो दशमलव लगाएंगे, 0 दशमलव लगा है 0 हो जाएगा, तो भाई 3 3 9 3 4 12 3 5 15 फिर से। ठीक है, 3 5 15 3 5 15 3 6 18 3 6 18 3 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, 3 6 18 दशमलव के बाद। ठीक है, 3 6 18 बाकी। अब देखिए 3 6 5 6 यानी कि 5.6 आ रहा है किसी में, 5.6 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो 9 अपने से लगा लीजिए। ठीक है, जब 2 मिल रहा है भाई किसी में नहीं, 5.6 इस प्रकार से भाग देकर, या फिर यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ये 300 हो जाएगा, 300 से भाग दे दीजिए सीधा सीधा कि 1707 में जाना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग करना चाहो आएगा आंसर 5.69। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें का राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला बहुत ही लाजवाब और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी दरोगा लेवल का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको थोड़ा सा गड़बड़ी नहीं करना है, बहुत ही शांतिपूर्वक बहुत ही समझ कर करना है। ठीक है, ये भाई मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ना इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। देखिए 7 की पावर 4 उसके बाद उसकी होल पावर यानी कि 7 की पावर 4 और उसकी भी पावर 2 दिया गया है। ठीक, बटे में देखिए गुणे गुणे करके फिर 1/343 स्क्वायर गुणे 7 प्लस का 17 दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद हमसे इसका मान पूछा है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, देखिए सात की पावर चार है और ये दो से गुणा होगा तो सात की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, आठ हो जाएगी। ठीक है, सात की पावर आठ हो जाएगी ना, गुणे सात लिखा है तो सात लिख लीजिए प्लस, देखिए यहाँ बटे में लिख लीजिए, पहले बटे में यहाँ लगा है नीचे 343, 343 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 343 को देखिए सात की फॉर्म में बना सकते हैं क्या, सात की पावर तीन का मतलब भाई सात यानी कि 343 होता है। ठीक है, सात की पावर तीन का मतलब 343 होता है, तो सात की पावर तीन लिख लीजिए। अब देखिए सात की पावर तीन है तो इसकी भी होल पावर है ना, यानी कि टू है। ठीक है, तो तीन यहाँ पूरा लिख लीजिए, तीन दुना की छः हो जाएगा, तो इसे हम पूरा का पूरा इस प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, इसे हम रफ करके आपको मैंने समझा दिया और इसे हम इस प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, इसे हम भाई पूरा का पूरा लिख लेते हैं सात की पावर छः। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ इसे भी रफ कर देते हैं, सात की पावर छः हो गया, तो इस प्रकार से जितना साठ बना सकते हो, ठीक है जितना साठ बना सकते हो, उसके बाद प्लस प्लस भाई सत्रह है तो सत्रह लिख लीजिए। ठीक है, देखिए ये छः पावर से दो पावर कट जाएगी तो यहाँ सात की पावर दो बचेगी, सात की पावर दो बचेगी यानी कि सात गुणे भाई सात की पावर देखिए दो और एक सात ये मिलकर, मैं सात सात ना लिख कर सीधा सीधा लिख देता हूँ कि सात की पावर तीन, सात की पावर तीन बचेगा धन का सत्रह, सात की पावर तीन का मतलब होता है 343 और धन सत्रह, तो 343 और सत्रह मिलकर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, जोड़ लीजिए, नहीं पता तो देखिए सात तीन दस, दस की जीरो हासिल आए, एक चार एक पाँच एक छः हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा यानी कि 360 हो जाएगा हमारा, 360 दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 360 जो मैंने आपको बताया 360 ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की अब बात करते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही लाजवाब है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए दरोगा लेवल में पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इतने इजी लग रहा है, तो भाई इजी नहीं है, बुद्धि खराब कर देगा जब नहीं पता होगा मेथड तो। ठीक है, देखिए मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूँ, तुरंत सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, कितना भी दरोगा लेवल का सवाल है, देखिए रोड में 20.25 दिया है प्लस का, रोड में 75 यानी कि 75.69 दिया है प्लस का 8.7 दिया है। ठीक है, तो देखिए ये किसके करीब है, 20 किसके करीब है, 4 चौक 16 25 ज्यादा हो जाता है तो 4 के करीब है, दशमलव लगा लीजिए, 5 ये तो भाई 5 का वर्ग यानी कि 25 जो है 5 का वर्ग है। ठीक है, प्लस लगा लीजिए, उसके बाद प्लस लगा है तो देखिए यहाँ थोड़ा सा यार गड़बड़ हो जाता है, लाइनिंग हमारी देखिए बन जाती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, उसके बाद ये 75 किसके करीब है, तो देखिए भाई 8 2 64 9 8 72 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 के करीब है। ठीक है, 8 2 64 दशमलव लगा लीजिए, 69 किसके करीब है, तो वही देखिए 7 7 49 और 8 2 64 ज़्यादा हो जाता है तो 7 के करीब है। ठीक है, 7 के करीब है, उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए 8.7 लिखा ही है, बस इनको जोड़ना है भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जोड़ लीजिए, देखिए जोड़िए, अगर हम पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो देखिए 7 7 14 14 5 19 की हमारी 9 आ जाएगी और देखिए हासिल आए 1। ठीक है, जोड़ना है बस, अब देखिए 8 2 16 16 4 20 और 1 हासिल 21। अब भाई देखिए यानी कि हमें केवल 1 यानी कि दशमलव जो है पीछे से 1 अंक के बाद लगाना है, तो भाई ये देखिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 21.9 ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया गया, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा 21.9। ठीक है, देखिए आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर, कह रहा है कि 289 का होल स्क्वायर गुणे 68/17 की पावर 5 गुणे भाई 1021, मतलब इतने का हमें मान बताना है इस प्रकार के। देखिए ये दरोगा लेवल का सवाल है भाई, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, यानी कि कोई छोटा मोटा सवाल नहीं, हल्के मत ले लेना कि भाई दिख रहा हल्का तो हल्का हो जाएगा, फिर आपको भी हल्का कर देगा। ठीक है, आरपीएफ दरोगा में मतलब कि भाई समझ लो आरपीएफ का एग्जाम कितना कट यानी कि भाई टफ होता है और वो भी दरोगा लेवल का। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे ना तो सरलीकरण में यकीन मानो भाई महारत हासिल कर लोगे। ठीक है,
चलिए अब देखिए, मैं बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, कहा है कि 289 का भाई जो है स्क्वायर, तो 289 कितने का वर्ग है दोस्तों, तो ये 17 का, यानी कि 17 का, लेकिन पहले दो बार इसे लिखना है। 289 को हम चलिए इस प्रकार लिख लेते हैं, 289 × 289, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ उस प्रकार लिखते चलिए। गुणे में देखिए 68 लिख लीजिए, गुणे में 68। अब देखिए बटे में 17 की पावर भाई 5 है, कितनी, 17 की घात 5। अब देखिए ये गुणे में 1021, तो गुणे में 1021 हमें लिख लेना है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर समझ जाओगे ना कंसेप्ट तो भाई आप लोग समझ लीजिए चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। देखिए 1789 को हम इतना लिख सकते हैं क्या, 17 × 17, यानी कि 17 का वर्ग है, 17 का 17 में दो बार गुणा करेंगे, यानी कि 17 का 17 में गुणा करेंगे 289 आएगा। इसे भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 17 × 17, ठीक है, यानी कि 1 17 2 17 3 17 और भाई 4 17, यानी कि 17 को अगर हम इस प्रकार लिखें तो 17 की पावर 4 हो जाएगी, यानी कि 17 की पावर 4 आप लोग इस प्रकार लिखिए। चलिए यहाँ थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर दूं क्या भाई, जिस प्रकार से मैं करा रहा हूँ ना उस प्रकार से करते जाइए, आपका पूर्ण रूप से हो जाएगा। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ और इधर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा पर्याप्त नहीं है। तो भाई यहाँ चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये देखिए इसे हम इधर कर देते हैं और यहाँ से करते हैं। देखिए भाई यहाँ से इन सवाल को देखेंगे, 17 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 1 17 2 17 3 4, यानी कि भाई 4 हो जाएगी, गुणे में 68, कितना, गुणे में 68। अब नीचे कितना है, 17 की पावर 5, 17 की पावर 5 गुणे में फिर 1021, ठीक है 1021। अब देखिए ये देखिए 4 × 17 ये 5 है, तो 4 कट जाएगा और माइनस का यहाँ कितना बच जाएगा, 1, यानी कि भाई माइनस 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 17 1 बचेगा, तो 1 17 बचेगा। तो देखिए यहाँ जो 1 17 बचेगा, तो ये 17 × 17 17 × 4 68, यानी कि 4 से गुणा हो जाएगा 1021 में, तो गुणा करिए भाई 4 से 1021 में, 4 × 4 4 × 8 4 0 0 हो जाएगा, 4 × 4, यानी कि 4084 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4084 किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में, इतना देख लीजिए मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में भाई 4084 दिया गया है, ठीक है 4084 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ आगे क्वेश्चन की, तो देखिए आगे का जो क्वेश्चन है वो देखिए, यानी कि भाई जो अगला क्वेश्चन हमारा, तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा ये वाला छूट गया था, पहले हमें 21 नंबर कराना था, क्योंकि ये भी दरोगा लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई भाई देखिए मैं आपको बता दूं, ये भी दरोगा लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया 1/12 / 1/12 / 1/12 इस प्रकार करके टोटल 5 दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं भाई, और वो भी बड़े बड़े एग्जामों में, जैसे कि दरोगा लेवल का हो गया, एनटीपीसी लेवल का हो गया, या फिर एसएससी सीपीओ सीजीएल, इस टाइप के जो क्वेश्चन है भाई पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, जब आपको भाई इस प्रकार से भाग करके दिया हो, तो आपको पता है कि जब भाग दिया है और हमारी भाग करने की संभावना नहीं लग रही है कि हम भाई भाग करें तो कैसे करें, तो देखिए जब हम भाग को भाई यानी कि भिन्न को, जैसे कि देखिए जो हमारी 1/12 लिखा है ना, 1/12 में जो ऊपर वाला हमारा है वो हर है, क्या है दोस्तों, हर है, और जो नीचे लिखा है, देखिए सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ 1/12 लिखते हैं, नीचे ऊपर जो लिखा है हमारा अंश है, ठीक है, ऊपर जो हमारा अंश है, नीचे जो हमारा हर है, ठीक है, अंश बटे हर होता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ जो होता है इसे पलट देंगे अगर हम, तो ये देखिए अंश के स्थान पर हर को कर देंगे और हर के स्थान पर अंश कर देंगे, तो गुणा का स्थान आ जाएगा, यानी कि भिन्न पलटने पर जो हमारा भाग का चिन्ह है वो गुणे में बदल जाता है, अगर भिन्न बदल देंगे यहाँ गुणे का चिन्ह है तो वो हमारा भाग का चिन्ह आ जाएगा, ये बात नोट कर लेना, आपका सवाल एकदम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ बदल देते हैं, पहले वाले को छोड़कर सभी को बदलेंगे, पहले वाले को छोड़ दिया जाता है, ठीक है 1/12, अब देखिए इस इन सबको बदल देंगे भाई, गुणे भाई 12/1,
गुणे बारह बटे एक गुणे बारह बटे एक गुणे बारह बटे एक, ठीक है, पांच बार हो गया, एक दो तीन चार पाँच। अब देखिए ये बारह से ये बारह कट गया, अब कितना बचा दोस्तों, यहाँ मेरी बात ध्यान से देखना। अब इसे देखिए, बारह ब्रह्म कितना होता है, गुणा कर लीजिए, बारह ब्रह्म हमारा कितना होता है 144, यानी कि दो बारह से यानी कि बारह बारह को गुणा करेंगे तो 144 गुणे फिर से बारह कर दीजिए, उसके बाद गुणा करिए भाई। देखिए बारह बारह बार दून 24 बार तीन 36 बार चौक 48, 48 की भाई हम कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, हासिल हमने कितना पाया, कैरी कर लिए 4, उसके बाद बार चौक 48 49 50 51 52, 52 की कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, 52 की हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, उसके बाद हमारा हासिल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 12 इकन्नम 12, 12 5 हमारा हो जाएगा दोस्तों 17, कितना हो जाएगा 17। अब कितना आंसर आ गया हमारा 1728 हमारा आंसर आ गया। सो 1728 किस ऑप्शन में दोस्तों, 1728 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल से राइट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब इस प्रकार के कोई भी सवाल आ जाए ना भाई तो एकदम से उड़ा देना यार, ठीक है, आपको इधर उधर नहीं देखना, सीधे जिस प्रकार से मेथड लगाया खटाखट खटाखट मात्र विद इन सेकंड में, यानी कि भाई एक मिनट से कम समय लगाना और उड़ा देना, ठीक है, अगर इस प्रकार से करोगे तभी आपकी एक नौकरी भाई एक सीट पक्की हो पाएगी, वरना भीड़ में जिस प्रकार से लोग मेहनत कर रहे हैं ना भेड़ बकरियों वाली, उसी प्रकार करते रहिए, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। चलिए ये वाला तो देखिए मैंने करा दिया है, आप क्वेश्चन नंबर अगला थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए थोड़ा रूट वाला क्वेश्चन बहुत आपको फंसा लेता है, तो रूट वाला मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई रूट 361 भागे 19 और रूट 400 बराबर 1x। अब भाई ये देख लीजिए, आरपीएफ एसआई में पूछा गया, यानी कि दरोगा लेवल का क्वेश्चन है, कोई भाई मामूली क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कि कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है। दिख भले रहा है आपको आसान कि भाई रूट वगैरह है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर रूट है, तुरंत छोड़ देंगे, लेकिन भाई आपको मैंने क्या बताया था कि आपको वर्ग याद होना चाहिए कम से कम 30 तक, वर्ग कितना याद होना चाहिए 30 तक, और आपको भाई घन याद होना चाहिए यानी कि क्यूब याद होना चाहिए भाई 30 तक, ये याद होना चाहिए। पहाड़ा आपको कम से कम, यानी कि भाई जो आपका पहाड़ा है वो आपको कितना याद होना चाहिए, तो पहाड़ा कम से कम भाई 30 तक तो जरूर याद होना चाहिए। अगर ये तीन चीज आपको याद है ना तो मैथ में भाई महारत हासिल कर लोगे, गणित पूरा का पूरा भाई इन्हीं चीजों पर बना है, यानी कि आधी गणित तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। इन तीन फार्मूलों को मैं हमेशा बताता हूँ कि थ्री फार्मूला जो है भाई बेस्ट होता है, ठीक है, इन तीन फार्मूलों को अगर आप लोग फॉलो करके चलोगे तो आपका कैलकुलेशन ये सब कुछ एकदम से आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपके लिए भाई एकदम आराम से बताया करता हूँ। देखिए यहाँ कहा है कि रूट में 361, तो रूट 361 कितने गए, कितने का वर्ग होता है, सबसे पहले रूट को मत रखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 361 कितने का वर्ग है, तो 361 दोस्तों हमारा 19 का है, कितने का है 19 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, पहले मैं तो सवाल लिख देता हूँ यहाँ कि रूट भाई, चलिए यहाँ मैं पहले पूरा सवाल लिख देता हूँ। देखिए रूट में इधर हमें दिया गया है 361 भागे 19 दिया गया है, उसके बाद प्लस का रूट में 400 दिया गया है, उसके बाद देखिए बराबर में 1 × x दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि रूट जो है भाई 361 ये हमारा 19 का वर्ग है, तो यहाँ लिख लीजिए 19 भागे 19, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि रूट 400 कितने का वर्ग है, यानी कि 400 कितने का वर्ग है, तो भाई 20 विषम में 400 होता है कि नहीं होता, तो भाई ये कितने का वर्ग है 20 का है, ठीक है, तो 20 का है। मैंने आपसे बताया ना कि तीन चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वर्ग, घन, पहाड़ा, तभी जाकर कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्स लिख लीजिए, एक्स गुणा करेंगे तो वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये 19 एक नंबर 19 एक आया, अब 20 और एक मिलके कितना हो जाएगा दोस्तों 21 बराबर एक्स, या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर 21 यानी कि 21, ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में 21 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, मैंने जिस प्रकार से आपको बताया ना एकदम इजी, तो भाई मॉडरेट तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग इसी प्रकार से करना है, ठीक है,
एकदम जल्दबाजी में गलत भी नहीं कर देना है कि भाई एकदम से हम ट्रिक के पीछे पड़ जाएं। ट्रिक के एकदम भाई जहाँ ट्रिक लगानी पड़ती है मैं वहाँ लगाता हूँ, बाकी एकदम से अगर हर चीज़ ट्रिक पर डिपेंड हो जाओगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आज मैं जो लिया हूँ ना भाई थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि आप लोग इजी, मैंने दो क्लास में इजी थोड़ा क्वेश्चन कराया, जैसे कि थोड़ा नीचे लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं जैसे कांस्टेबल लेवल की परीक्षाएं हो गई या फिर ग्रुप डी लेवल की, ग्रुप सी लेवल की, और आज जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों वो SI लेवल की करा रहा हूँ, यानी कि दरोगा लेवल की करा रहा हूँ। जैसे कि NTPC में भाई यानी कि स्टेशन मास्टर की हो गई, या फिर SSC में बात कर लूँ CPO CGL लेवल, ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों 486 भागे रूट में देखिए, यानी कि पहले मजले कोष्टक में दिया गया है 3/4, फिर बड़े ब्रैकेट में दिया गया है 16/15, उसके बाद -2/3 दिया गया है, फिर इतने का मान बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 486 हमें दिया गया है, उसके बाद भागे का चिन्ह लगाया गया है, तो भाग का चिन्ह लगा लीजिए भाई। देखिए कोष्टक दिया गया है तो कोष्टक भी लगा लेते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी आफत है, ठीक है। थोड़ा सा कोष्टक को तोड़ देते हैं, यानी कि 3/4 है, उसके बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ 16/ यहाँ हम लिख लेते हैं, गुणे में है भाई तो गुणा लगा के 16/15 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का 2/3 भी लिख लेते हैं। चलिए अब मझले कोष्टक को हम इस प्रकार से बंद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए यहाँ करना है 4 × 4, 4 × 16, 3 × 3, 3 × 5 = 15, यानी कि 4/5 बचा कुल मिलाकर, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं, देखिए लिखिए मेरे साथ लिखते चलिए, 486 भागे जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ उस प्रकार लिखिए। यहाँ देखिए अब भाई 5 और 3 का LCM ले लेते हैं तो हमारा 15 आ जाएगा, अब 5 के बारे में कितने बार में 15, तो 3 बार में, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, उसके बाद माइनस लगा तो माइनस लगा लीजिए, 3 के पहाड़े में 5 बार में 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये एक घटा दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मेरी बात समझिए, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, 2/15 बचेगा, यहाँ मेरी बात समझना, इसे मैं सब घटा के रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ 2/15 बचेगा, जब ये भाग है तो नीचे जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो ये बच इस प्रकार हो जाएगा 2/15 हो जाएगा, ठीक है, 2/15 हो जाएगा। थोड़ा मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा लिखने का हमारे पास थोड़ा पर्याप्त जगह नहीं है, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए रफ हो गया, उसके बाद अब देखिए हम बताते हैं, जब इस प्रकार की कोई भिन्न बन जाती है ना तो थोड़ा सा भिन्न को पलटना पड़ता है, थोड़ा काटने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब जब इसे हम पलटेंगे तो ये 15 हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 रहेगा। देखिए 486/2 गुणे में 15, अब भाई काट दीजिए, देखिए 2 × 4, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, यानी कि 243 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब 243 का गुणा 15 से करिए, देखिए 15 × 15 = 30, 15 × 3 = 45, 45 की भाई 5 हासिल आए कितना 4, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 15 × 4 = 60, 60 × 4 = 64 की हमारी कितनी हो जाएगी 4 हासिल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 15 × 30, 30 और 6 हमारा 36 हो जाएगा। तो 3645 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 3645 जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है 3645, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल से राइट हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, देखिए कोई चाहे दरोगा लेवल का हो चाहे कांस्टेबल लेवल का हो, भाई मेथड वही होता है, थोड़ा सा लेवल टफ हो जाता है, जैसे कि देखिए दरोगा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है लेकिन धरा कुछ नहीं यार, थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो सब कुछ उड़ा दोगे, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब, थोड़ा सा देखिए यहाँ बच्चे घबरा जाएंगे, कहेंगे सर ये देखिए रूट वगैरह आ गया है, ठीक है, रूट वगैरह आ गया तो सर यहाँ हमसे नहीं हो पाएगा, भाई मैं तरीका बता रहा हूँ यार आपको करने के। देखिए सबसे पहले जब देखिए रूट में दिया गया हो कोई संख्या, मान लीजिए रूट 21 दिया, ये किसी का वर्ग नहीं होता ना, तो इसके एकदम अप्रोक्स यानी कि उसके पास वाली संख्या लाइए, जैसे कि 3 × 3 = 9 होता है तो भाई ये अभी बहुत कम है, 4 × 16 हो जाएगा तो यहाँ ये करीब है, लेकिन 5 × 5 = 25 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वाली संख्या लाएंगे, 4.4 × 16, तो ये तो भाई ऑलरेडी 4 वाली बन जा रही है, ठीक है, 16 वर्ग है 4 का। अब देखिए प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए, उसके बाद देखिए 8 × 8 = 64 हो जाएगा,
और भाई देखिए 9981 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 8.  भाई वही मैंने आपको बताया कि 4, ठीक है। उसके बाद भाई 8.9 ऐसे लिख लीजिए, पूरा का पूरा जोड़ लेना, जोड़ घटाना तो आता है कि नहीं आता, दशमलव का जोड़ घटाना बस इतना ही करना है, ये कर लीजिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी ये दरोगा लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपको दरोगा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही लाजवाब है। कहा है कि 5.2 × 5.2 − 2.7 और 2.7/7.9 × 2.5 दिया गया है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, तो अब चढ़ा दिया आपको, गुणा ही तो करना है। पहले देखिए मैं आपको तरीका बता देना हूँ, खटाक खटाक कर लेना, ठीक है। आपको देखिए पहले दशमलव को भूल जाना है, 52 × 52 का गुणा कर लेना है, उसके बाद माइनस करके 27 × 27 का गुणा कर लेना है, उसके बाद नीचे भाई 7 × 79 × 25 का गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है, क्योंकि 1 अंक के बाद ये, 1 अंक के बाद ये, तो भाई 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, और इसमें भी गुणा करके 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, घटा लेना, इसमें भी इसी प्रकार करके घटा लेना, पूरा का पूरा घटाकर जो आंसर आ जाएगा हमारा भाई 1 आ जाएगा, काटने पर पूरा का पूरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, गुणा भाग कर लेना, मैंने अपने आप तुरंत करके बता दिया 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार के अगर मैं जोड़ घटाना वाला सवाल कराने लगूंगा तो भाई इसमें आपका क्या ही रह जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, Shift 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये बहुत लाजवाब है, ये तो जोड़ घटाना यार, घटा लो भाई। देखिए पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, माइनस माइनस वाले को जोड़ दो, उसके बाद घटा लो, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई मैं आपको ये वाला थोड़ा बता ही देता हूँ, नहीं कहोगे कि सर आप छुड़वाए दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए, ये एक प्लस में एक ये प्लस में, 9 × 6 = 15 हो जाएगा, 15 × 5 हासिल आए कितना, 1 × 5 और 1 × 6 हो जाएगा। देखिए 1 और 2 = 3 हो जाएगा, दशमलव 2 अंक के बाद लगाए तो दशमलव लगा लीजिए, माइनस के चिन्ह लगा है तो भाई माइनस के चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए माइनस के चिन्ह लगा लीजिए, उसके बाद आपको करना क्या है, माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, 15 × 15 = 5 हासिल आए कितना, 1 और 7 = 8 और 1 = 9 हो जाएगा, उसके बाद 1 और 3 = हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 और 3 = हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 और 2 = हमारा 6 होगा, ठीक है, यहाँ जो 3 था यहाँ 6 हो जाएगा। आप घटा दीजिए भाई, घटाना तो आता है ना, घटा दीजिए, देखिए घटाते हैं भाई, देखिए प्लस वाला हमारा ज़्यादा है, माइनस वाला कम है, तो 5 में से 5 गया 0, और उसके बाद देखिए यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 16 17 18, देखिए 9 घटाइए 6 7 8 9 5 1 7 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा, उसके बाद यहाँ कितना बचा हमारा दोस्तों, 1 हासिल दे दिया, तो ये 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, 1.70 किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर आ गया, ठीक है, 1.70, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात अब कर लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और NTPC का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो देखिए भाई NTPC का एग्जाम आ ही रहा है, तो अभी से सवाल कर लो ना। देखिए अब यहाँ कहा गया है कि 36 ÷ 8 × 3 − पूरे, यानी कि भाई बड़े कोष्टक में दिया गया है 3 ÷ मझले कोष्टक में 4 × 3 × 4 ÷ 5 − 9 प्लस का 6, उसके बाद सभी रोड को बंद कर दिया गया है। भाई इसमें मान पूछा है कि पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कर लेते हैं यार, इसमें कौन सा बड़ा तोप है। देखिए 36 × 8 = 16 + 3 = 24 हो जाएगा, तो बटे में 24 लिख दीजिए, उसके बाद माइनस लगा, तो भाई माइनस लगा लेते हैं यार, इसमें कौन सा बड़ा वो है, ठीक है, माइनस लगा लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ही अभी रहने दीजिए। देखिए यहाँ करते हैं भाई 3 लिख देते हैं, उसके बाद भागें, अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए गुणा कर दीजिए, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 होगा तो, और यहाँ से घटा दीजिए,
अगर हम घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ भागें चार करके भागें यहाँ ब्रैकेट के अंदर, देखिए ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा हम इस प्रकार से कर लेते हैं, चार गुणे के अंदर इस प्रकार से लिख के और यहाँ ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा इस प्रकार सॉल्व कर लीजिए, चार तेई बारह माइनस का कर लीजिए क्योंकि यहाँ माइनस ज़्यादा है, तो माइनस बटे पाँच चार नौ यानी कि भाई चार बचेगा। तो देखिए काट दीजिए भाई, चार के चार चार दून आठ, चार तेई बारह, ठीक है चार तेई बारह हो जाएगा। तो फिर से गुणा करोगे तो हमारा कितना आएगा भाई, चार तेई बारह ही आएगा, ठीक है लेकिन किसका आएगा दोस्तों, माइनस का बारह आएगा, ठीक है माइनस का बारह आएगा और प्लस का लास्ट में अभी ये सिक्स बाकी है, ठीक है प्लस का लास्ट में सिक्स बाकी है। अगर हम देखिए ये छः बाकी है और ये माइनस का हमारा कितना आ गया बारह, तो छः में से छः घटा देंगे तो माइनस का छः आ जाएगा टोटल, यहाँ अगर हम इसे मिटा दें तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा पूरा, अगर मेट दें इसे तो बट्टे में हमारा नीचे कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इसे हम देखिए मेट रहे हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा यार लाइनिंग छोटी है, मेटने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ये देखिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा भाई क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए चीज़ों को समझना पड़ेगा, अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो सबकी तरह भीड़ में चलते रहो, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ बटे में छः कर देते हैं, भाग को भी मिटा देते हैं बटे में छः कर देते हैं, ठीक है छः चौको चौबीस, अगर एलसीएम ले लें पूरा का तो चौबीस हमारा एलसीएम आ जाएगा भाई, 24 एलसीएम आ जाएगा तो 36 उसी प्रकार रहेगा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं वरना नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है 36 उसी प्रकार रहेगा। माइनस में देखिए माइनस कर देते हैं और उसके बाद 6 चौको 24 तो 4 तेई 12 भाई पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, इसे घटाकर पूरा का पूरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है इस प्रकार से कर लेना। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर लास्ट में बनाकर छोड़ दिया करो, हम कर लेंगे, ठीक है तो मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस बनाकर छोड़ दिया, आप लोग कर लीजिए। चलिए यह देखिए एकदम लॉजिकल सवाल है भाई, एकदम लॉजिक पर डिपेंड है, ठीक है देखिए कहा है कि 13 की पावर 3 प्लस माइनस की 8 की पावर 3 प्लस माइनस 5 की पावर 3 इतने का मान ज्ञात करना है, तो यहीं से लॉजिक लगा लो। देखिए 13 13 26 33 39 यानी कि 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 39 आएगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए इस प्रकार से दिया है 8 5 40 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी कि भाई 39 प्लस का यानी कि गुणे गुणे में लगा है सब कुछ, तो गुणा यहाँ गुणा गुणा यहाँ, तो हम भी गुणा लगा लेते हैं भाई, समाज से बाहर थोड़ी हैं हम, तो देखिए 39 गुणे यहाँ 8 5 40 माइनस माइनस का प्लस 40 किस ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तरीका सीखो भाई, अगर एग्जाम में करना है ना तो थोड़ा सा तरीका सीखना पड़ेगा, वरना भीड़ की तरह भेड़ बकरियों की तरह चलते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहा है कि 4 ÷ 2 ऑफ, देखिए ऑफ लिखा है, ठीक है ऑफ का मतलब दोस्तों होता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ ऑफ का मतलब जो होता है वो गुणा होता है, ठीक है यानी कि 4 ÷ 2 में गुणा है 9 का, उसके बाद माइनस 6 ÷ 2 और प्लस का 5/5 दिया गया है, ठीक है इसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 4 2 मिलकर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मैंने बताया कि गुणा होता है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं गुणा ये 9, तो भाई यहाँ गुणे में 9 लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ माइनस लगाए तो माइनस लिख लीजिए, 6 × 12 गुणा के चिन्ह लगाए गुणा कर दीजिए, माइनस का यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ 5 ÷ 5 यानी कि यहाँ प्लस का हमारा 1 बचेगा, ये आपको बहुत ही आसानी से इतना प्राप्त हो गया, ठीक है अब इसका गुणा करिए, देखिए 4 ×9 = 36 यानी कि 9 × 6 = 54 होगा, 6 × 9 = 54, ठीक है और देखिए 4 × 4 = 8 × 3 = 12 × 6 = 16 × 5 = 24 × 4 = 28 × 32 × 9 कितना होगा भाई 9 ×9 = 36 9 ×4 = 54, ठीक है चलिए यानी कि 6 × 9 = 54 होगा। तो इस प्रकार से पहाड़ा पढ़कर मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप इतना पुअर बच्चे को लेकर चले, यानी कि जिनको कुछ नहीं आता, तुम देखिए भाई आप महान हो आपको आ रहा है लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा। देखिए इस 12 में से अगर भाई 1 घटा देंगे, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है अब 54 में से 11 घटा दीजिए तो देखिए 4 में से 1 गया तो हमारा 3 बचेगा, उसके बाद 5 में से 1 गया 4 बचेगा, यानी कि 43 हमारा प्लस का आ जाएगा आंसर। तो 43 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी
बी हमारा 43 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो भाई 43 आपका आ जाएगा। ये आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा ना, तो भाई बच्चों की खटिया खड़ी हो जाएगी। और इसे भाई देखिए, आप लोग ट्रिक के माध्यम से करोगे तो गलत हो जाएगा। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से करना है, एक एक स्टेप, लेकिन फास्ट तरीके से करना है। भाई क्या करना है, चार दो इस प्रकार से, आप समझिए। देखिए इसे फास्ट तरीके से कैसे करोगे, देखिए यहाँ जोड़ लीजिए, 4 2 6, और 6 में हमें 9 का गुणा करना है, 9 6 54 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए 6 2 12 माइनस का 12, ये 5 से 5 कट गया, माइनस यानी कि प्लस का 1 है ये, और 12 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 12 ज़्यादा है तो माइनस का 11 बचेगा। अब 54 में से 11 घटाएंगे दोस्तों, हमारा 43 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से एक लाइन दो लाइन में भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन भाई आपको कैलकुलेशन थोड़ा आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती है, देखिए आप लोग समझिए मेरी बात को, मैं इसलिए धीमे धीमे बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब भी समझ में आए, ना कि हवेबाजी करके चला जाऊँ और आपके पल्ले कुछ ना पड़े। ठीक है भाई, तो ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है कि हर एक बच्चा सिलेक्शन ले। ठीक है, देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इस प्रकार के सवालों में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं और फिर उनको काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहा है कि 43 सही 2/3 भागें, ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, भागें 35 + 3/4 ऑफ, फिर दे दिया आपका मतलब गुणा होता है 24 धन छोटे कोष्टक में 42 / 7 -5 सही 1/3 दिया गया, इसका हमें मान बताना है दोस्तों। ठीक है, ये भी NTPC एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भाई करिए, देखिए ये अगर हम इसका गुणा करेंगे 3 3 9 और 3 4 12 2 हमारा हो जाएगा दोस्तों 131। इसे सॉल्व करने पर देखिए कितना आएगा, इसे मैं इधर से सॉल्व करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से करिए, देखिए 3 का गुणा जब इसमें करेंगे और 2 जोड़ देंगे, इसका गुणा इसमें करके जो आएगा 2 जोड़ देंगे, देखिए फिर ये हो जाएगा हमारा 131 दोस्तों, 131 बटे में नीचे कितना 3। ठीक है, अब भाग लगा है तो भाग का चिन्ह लगा लीजिए, ये भाग लगा है 35। अब देखिए ये ऑफ का मतलब गुणा होता है, यानी कि 24 का गुणा है, तो देखिए 4 1 9 4 ये काट लीजिए, गुणा के चिन्ह लगा है तो 4 6 24, और यहाँ 6 बार में कट गया दोस्तों, तो इस 6 का गुणा 3 में कह देंगे, 6 का 6 6 2 12 6 3 18, यानी कि 18 में अब 35 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, 18 और 35 दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, आप लोग जोड़ लीजिए। अभी देखिए पूरा का पूरा जोड़ते नहीं हैं, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, तो यहाँ भागे का चिन्ह है, बड़ा ब्रैकेट कोष्टक लगा लीजिए बड़ा वाला, 35 लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ बचा प्लस का 18, क्योंकि देखिए 4 6 24 24 कट गया, और 4 6 बार में कटा तो 6 3 18 ये आ गया दोस्तों। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इतना बेसिक नहीं समझ में आएगा ना तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये 18 आया, अब देखिए 7 1 9 7, ये ब्रैकेट के नीचे वाला समझिए, 7 1 9 7 7 6 42, यानी कि 7 से भाग देंगे 42 में, तो प्लस का 6 आ जाएगा, छोटा कोष्टक तोड़ लीजिए, देखिए 5 3 15 माइनस का 15, और एक इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 16, यानी कि इसमें जोड़ देंगे 16 माइनस का, देखिए माइनस का 16/3 आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से आप लोग करते चलिए, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 16/3 आ जाएगा, अब इतना आ गया दोस्तों। अब देखिए इसे लिख लीजिए इसी प्रकार, 131/, देखिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर बहुत टाइम लग जाएगा इसे करने में, कोई टाइम नहीं भाई, देखिए थोड़ा सा इसे मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ खिंचा गया, तो देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, 131/6 3 यहाँ है, 6 मैंने लिख दिया, ये 3 है। ठीक है, यानी कि इस 6 के स्थान पर आपको 3 लिखना है दोस्तों। ठीक है, इस 6 के स्थान पर आपको 3 लिखना है, जो हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 35, देखिए 35 18 और 6 को हम जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 177 बन जाएगा। कितना, यानी कि भागे लगा है तो भागे का चिन्ह लगा लेते हैं दोस्तों, ये अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 177 बन जाएगा। कितना, 177 बन, सॉरी देखिए 177 नहीं बनेंगे यार, जोड़ लेते हैं, देखिए जोड़ते हैं, 6 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
24, तो देखिए 5 4 9, यहाँ 9 आएगा, यहाँ लिखते चलिए, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूँ तब समझ में आएगा। थोड़ा सा जोड़ घटाने में यार थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा, उसके बाद फिर सही कर लेना आप लोग, ठीक है। देखिए मैं तो एकदम सही बताऊंगा, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 18 6 24, 24 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 9 और भाई यहाँ 3 2 5 59 आ जाएगा, ठीक है 59।
अब देखिए 59 - 16/3, अब इसका देखिए एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसका भी अब एलसीएम ले लेते हैं। चलिए भाई, अब यहाँ अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो देखिए यहाँ तो पूरा का पूरा 3 आ जाएगा। अब 59 में 3 का गुणा कर दीजिए, 59 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 9 का 9 = 27, 9 * 27 और 3 * 5 = 15 और 2 = 17 हो जाएगा, यानी कि 177 हो जाएगा, 177 - 16। ठीक है, यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा लिख कर बता रहा हूँ आपको, तब समझ में आएगा। यहाँ बचेगा कितना दोस्तों हमारा, चलिए यहाँ ये हो जाएगा हमारा 177। ठीक है, मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ भाई जगह का अभाव है इसलिए मैं मेट मेट कर बता रहा हूँ, यानी कि इन्हें सफा करके बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ दोस्तों हो जाएगा हमारा 177, ये माइनस ही रहेगा, -16/3। ठीक है, अब घटा लीजिए भाई, जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ 3 आ गया तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, जब घटा लेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि 131 पूरा का पूरा समझिए कितना आएगा दोस्तों, 131 बटे में, यानी कि 177 में से 16 घटाइए, 7 में से 6 गए तो भाई हमारा बचेगा 1, और देखिए 7 में से 1 गया तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, हमारा बचेगा 6, और ये हमारा बच जाएगा 1। ठीक है, 131 बटे 161 आ जाएगा, 131 बटे 161 किस में आ रहा है दोस्तों, तो देख लीजिए ऑप्शन, 131 बटे 161 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला भी देख लेते हैं, बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलत करके चले जाते हैं। देखिए कहा है कि देखिए 38 क्वेश्चन, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2^8 - 1, उसके बाद देखिए √2^12 दिया गया है। ठीक है, इसे सॉल्व करने का तरीका मैं आपको एकदम आसान तरीके से पहले एकदम बेसिक से बताता हूं तो आप लोग खुद उड़ा दोगे। ठीक है, इसे ऐसे लिख लीजिए भाई, 2^8 का मतलब क्या होता है, 2 × 2, यानी कि 8 बार 2 का गुणा है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 ये 8 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, 8। चलिए अभी भाई देखिए यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से हम लिख देते हैं, देखिए 8 बार लिखना है। ठीक है दोस्तों, 8 बार लिखना है, 8 बार आपको लिखना है, लिखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 ये 8। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 × 2 × करके लिख लेना है, माइनस लास्ट में 1 कर देना है, जिस प्रकार से 1 दिया गया, उसके बाद बटे लगा देना है, समझिए मेरी बात को। ठीक है, √2 12 बार लिखना है। ठीक है, √2 12 बार लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी कि 6 × 12 होता है, तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यानी कि √2 को इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए √2। ठीक है, अब देखिए √2 इस प्रकार से लिख लीजिए, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखते चलना है। यहाँ देखिए थोड़ा सा यार, ये हमारा पेन जो है कभी कभी धोखा दे देता है यार, ये जब इंसान धोखा दे देता है, ये तो भाई डिजिटल पेन है, कभी कभी इसमें कि भाई बैटरी लो हो जाती है, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए √2 और √2 यहाँ लिख लीजिए फिर से दोस्तों, ये देखिए √2। ठीक है, लिखते चलिए, देखिए यहाँ √2 लिख लीजिए, उसके बाद आपको मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ये देखिए √2 लिखते चलिए, 1, 2 ये हमारा तीसरा √2 हो गया, ये हमारा चौथा हो गया √2। इसी प्रकार भाई 12 √2 करिए, यानी कि √2 तक 12 लिख लीजिए। ठीक है, 12 √2। अब देखिए अगर √2 √2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इसी प्रकार जब हम गुणा करेंगे 2 2 जोड़े का करके तो 12 बार में 6 जोड़े बनेंगे। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 और 1 2 1 ये 6। ठीक है, अब आप लोग बहुत सारे कमेंट करोगे कि ये 6 कैसे आएगा, देखिए √2 से √2 में गुणा करोगे तो निकल कर आएगा 2, यानी कि √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 2। ठीक है,
दो दो में दो जब भाई रूट का मान, जैसे ये चार का मान है यानी कि दो रूट टू, जैसे कि चार अगर देखिए अंडर रूट टू जो है चार इस प्रकार से ब्रैकेट में है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि भाई देखिए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं टू गुणे टू, यानी कि टू गुणे टू, तो इसमें से एक दो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये भी है, इसमें से एक दो आएगा तो बारह है, बारह बार लिखा गया है तो हमारा छः दो दो करके आ जाएगा, तो इसे गुणा कर देंगे दो, यानी कि पहले ऊपर वाला देखिए, दो दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ दुना के सोलह, सोलह दुना के बत्तीस, बत्तीस दुना के चौंसठ, ये चौंसठ और दो दुना के चार, चौंसठ चौको हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, चौंसठ चौको हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, चौंसठ चौको आपको लिखना है कि हमारा आ जाएगा दो सौ छप्पन, ठीक है। चौंसठ चौको हमारा आ जाएगा, चौंसठ चौको यानी कि देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चौंसठ गुणे चार माइनस वन बटे में दो गुणे करके छः बार, दो दुना के चार, चार दुना के आठ, दुना के सोलह, सोलह दुना के बत्तीस, बत्तीस दुना के चौंसठ, ये हो गया। उसके बाद देखिए चौंसठ चौको दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन यहाँ लिखिए भाई, दो सौ छप्पन माइनस वन बटे चौंसठ। उसके बाद घटा दीजिए भाई, देखिए घटा दीजिए, दो सौ छप्पन में से एक घटाएंगे, दो सौ पचपन बचेगा, कितना 255 बटे चौंसठ, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तो आपको समझा रहा हूँ भाई, इन सवालों में एक मिनट आपका पूरा लग जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा जल्दबाजी कर दोगे तो ये ऐसे सवाल हैं भाई गलत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सवाल गलत हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी आपने जल्दबाजी की तो भाई आपसे आपके हाथ से ये सवाल चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ वाले, देखिए भाई देखिए चार धन चार दशमलव चार चार, फिर उसके बाद चौवालीस दशमलव चार, फिर उसके बाद चार दशमलव जीरो चार, उसके बाद चार सौ चौवालीस माइनस बीस, अगर इनको बहुत ही तरीके से नहीं करोगे ना तो भाई बहुत जल्द गलत हो जाएंगे ऐसे सवाल, ठीक है। ये सवाल बहुत जल्द गलत होते हैं, इनको देखिए भाई ऐसे लिखिए, पहले प्लस प्लस वालों को लिख लीजिए, जैसे कि सबसे बड़ी संख्या चौवालीस दी गई, तो सबसे पहले चौवालीस यानी कि चार सौ चौवालीस दी गई है, तो चार सौ चौवालीस को भाई हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए चार सौ चौवालीस, यहाँ लिखिए भाई चार सौ चौवालीस लिख लीजिए, ठीक है, जो बड़ी संख्या। यार हमारा आज देखिए डिजिटल पेन थोड़ा सा कम साथ दे रहा है, एकदम एग्जैक्ट नहीं लिख जा रहा, थोड़ा सा हम भाई डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए चार सौ चौवालीस यहाँ ऐसे लिख लीजिए। मैं यार डबल डबल आज मैंने पेन लगाया, यानी कि चार्जिंग में पेन लगाना भूल गया, इसीलिए नहीं चल रहा। देखिए चार सौ चौवालीस यहाँ लिखिए, मैं दो तीन बार लिख चुका हूँ यार, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ, फिर उसके बाद जो इससे छोटी है, इसके बाद दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव लगा कर यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। चलिए भाई हमारा पेन नहीं चल रहा है, ये सवाल मैं ऐसे समझा देता हूँ, देखिए हाथ से लिख कर चार सौ चौवालीस, उसके बाद यहाँ दशमलव के बाद लगाकर कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो। उसके बाद देखिए ये वाली संख्या लिख लेते हैं, चौवालीस दशमलव चार, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाली संख्या लिख लेते हैं यानी कि चार दशमलव चार चार, उसके बाद देखिए ये एक संख्या और बची, चार दशमलव जीरो चार, उसके बाद एक चार और बचा है, ठीक है। उसके बाद एक चार ऊपर ही चाहे लिख दीजिए, ठीक है, ये वाला चार अब इसे जोड़ लीजिए। देखिए भाई इनको जोड़िए जोड़िए भाई, देखिए चार चार आठ, दशमलव के इधर से ही जोड़ते जाइए, ठीक है, दशमलव के इधर से ही जोड़ते जाइए। मैं ऊपर से इधर से लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा जगह की अभाव है, मैं इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, चार चार आठ ये हो जाएगा दोस्तों, और चार चार आठ ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चार 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 दून आठ से आती बच्चे, सोलह चार पंचे बीस, बीस की जीरो हासिल आए दो, चार चार आठ दो, दस की जीरो हासिल आए एक, चार और एक भाई पाँच हो जाएगा, यानी कि भाई पाँच सौ, यानी दो अंक के बाद दशमलव, दो अंक के बाद दशमलव बैठा लीजिए, पाँच सौ अट्ठासी हो जाएगा। लेकिन अभी बीस घटाना है तो इसमें से बीस घटा दीजिए दोस्तों, तो ये अट्ठासी दशमलव बीस घटा देंगे तो चार सौ अस्सी आ जाएगा हमारा, कितना, चार सौ अस्सी आ जाएगा दोस्तों। तो चार सौ अस्सी दशमलव अट्ठासी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी प्रकार से आपको करना है भाई, अगर देखिए सिलेक्शन लेना है तो तरीके से करना होगा, वरना नहीं हो पाएगी इस प्रकार के सवाल, ट्री कोर्स के माध्यम से भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो भाई जेन्युइन तरीका मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपको भी देश दुनियादारी करना है तो करिए भाई, आपका भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इन सवालों को थोड़ा लेंदी भाई करना पड़ेगा। देखिए छाछठ यहाँ दिया गया है, आप लोग देखिए ध्यान से,
भाई कहा है कि 66 भागे 67 माइनस 43, उसके बाद 17 माइनस का 117 दिया गया है, भागे 9 गुणे 4 दिया गया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए 66 को इसी प्रकार लिखे रहने दीजिए, भाग का चिन्ह लगाए भाग वाला कर लीजिए, बड़ा कोष्टक लगाए तो बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 67 फिर से लिख लीजिए, उसके बाद माइनस है तो देखिए मझला कोष्टक में 43 दिया गया है, 43 लिख लीजिए। उसके बाद माइनस में देखिए माइनस के अंदर 17 है तो 17 लिख लीजिए, माइनस लगा तो माइनस लगा लीजिए, 9 से भाग दीजिए 13 नहीं 117 तो 13 बार में ये चला गया, 17 कट गया और 13 चौको 52 हो जाएगा। भाई ये कोष्टक बंद कर लेना है अब, ठीक है, ये कोष्टक बंद कर लेना है सॉल्व करने के बाद। उसके बाद देखिए आप घटा लीजिए 66 भागे भाई बड़े ब्रैकेट में 67, अब घटाइए देखिए 17 में से यानी कि माइनस वाला ज़्यादा है तो 17 में से 52 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों 35, कितना बचेगा 17 34 17 34 51 भाई 35 बचेगा, ठीक है, यानी कि हमारा कितना बचेगा 35, ये 35 हमारा किसका बचेगा माइनस का, तो माइनस 35 और ये वाला माइनस बाहर वाला मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 35 और 43 मिलकर 53 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस के चिन्ह लगा लीजिए भाई, 53 हमारा हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा दोस्तों 5 3 8, मैं जिस प्रकार से करते जा रहा हूँ, और 4 3 हमारा 35 है ना तो 7 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब देखिए घटा लीजिए 67 में से 78 घटाइए दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 67 में से 78 घटाओगे तो 66, यहाँ लिखते चलिए 66 बटे हमारा हो जाएगा भाई, लिख लीजिए 7 में से यानी कि माइनस का माइनस यहाँ लगा लीजिए, 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा और 7 में से 1 गए तो यानी कि 6 गए तो 1 बचेगा, ठीक 11 छः के 66 यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा हमारा, तो माइनस 6 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि माइनस 6 जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार और बहुत लाजवाब है, तो दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, ठीक है, चलिए लास्ट ये दो क्वेश्चन है इनको भी समझ लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको बनाना कैसे है, 4 × 4 इसका गुणा करिए भाई, 1 सही 3/4 दिया गया है तो 4 × 4 4 × 3 7 यानी कि भाई 7/4 हो जाएगा, मैं बना दे रहा हूँ आप लोग कर लेना, 7 हो जाएगा 5 प्लस का देखिए 3 × 5 15 3 × 5 15 आ जाएगा दोस्तों भाई, 3 × 5 15 1 16 16/3 आ जाएगा, और देखिए 3x इसका गुणा बच्चे गलत कर देंगे इसलिए बना देता हूँ, 3x + 2 यानी कि इस भाई इस प्रकार करना है, प्लस देखिए 3x + 2 इस प्रकार से बटे का पूरे का बटे का x बराबर में ये हो जाएगा भाई, देखिए 10 × 6 = 10 × 6 = 600 जाएगा और 29 यानी कि 629/60 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई आप लोग कर लेना x का मान निकाल लेना, लगभग मैं आपको बता दूं कि काट पीट कर x का मान 5 आ जाएगा, ठीक है, उत्तर कर लेना x का मान 5 आ जाएगा। करके बता दूं क्या करके बता दूं, देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए पहले, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, 4 × 3 = 12 12 आ जाएगा, और भाई 7 × 3 = 21 यानी कि 4 × 3 = 12 तो 7 × 3 = 21 और 16 × 4 = 64 और अगर हम जोड़ दें तो हमारा दोस्तों आ जाएगा कितना 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 400 425 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे तो 64 × 4 = 5 5 6 5 6 यानी कि 6 7 1 8 भाई 85 85/12 यानी कि ये इसका मान जो है पूरा का पूरा 85/12 आ जाएगा जोड़ने पर, जोड़ लीजिए मैंने आपको अपने दिमाग में जोड़ लिया। उसके बाद देखिए इसे हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, इसे पक्षांतर कर देते हैं, चलिए देखिए ये वाला जो इसका मान आया था कि 2x + 3x + 2/x इधर हमारा बना था 629/60 इधर बच गया था हमारा 85 बटे
में हमारा कितना बना था 12, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा दोस्तों पूरे का पूरा। तो देखिए इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो 60 आ जाएगा, और जब 12 पंच 60 पाँच बार में पाँच इसके इसमें गुणा करेंगे 85 में पाँच का, तो हमारा दोस्तों आ जाएगा कितना कितना 5 और 20 और 8 8 45 2 42, यानी कि 425 आ जाएगा। कितना 425 आ जाएगा ये, और ये पूरा का पूरा हमारा एलसीएम हो जाएगा 60, और ये माइनस का हो जाएगा, घटा लीजिए वही आंसर आ जाएगा। घटाने पर दोस्तों यानी कि हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा घटाने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, घटा लीजिए कि 204 बटे हमारा आ जाएगा 60, इतना घटाने पर, ठीक है 204 बटे 60 आ जाएगा। यहाँ देखिए अभी तो आपको नहीं समझ में आया होगा, यानी कि 3x + 2 x = 204 हमारा आ गया 60। अब इसे काट लेते हैं 15 15 35 45 15 64, यानी कि या फिर हम ऐसे ही काट लेते हैं कि देखिए 12 5 60 पांच बार में कट गया, 12 21 12 12 2 9 24 12 3 36 12 4 48 12 के नंबर 12, और ये हमारा कितना बचा दोस्तों 8 12 4 36 12 5 60 नहीं कटेगा फिर। तो दोस्तों ये कितने से कटेगा, फिर से काटते हैं तो ये हमारा जो है देखिए कितने से कटेगा 204 बटे 60, तो ये कट जाएगा देखिए 200 ही काटिए तो, या फिर 4 से काट लेते हैं 2 से काटिए 30 बार में कट जाएगा। उसके बाद ये कितने बार में कट जाएगा दोस्तों 2 5 10 या 2 1 2 2 2 0 2 2 4, फिर से 15 बार में ये कट गया, और ये कितने बार में कट जाएगा 2 5 10 2 1 2 51 बटे 15 बार में। लेकिन ये हमारा 3x + 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स बटे में एक्स, यानी कि भाई प्लस का लगा प्लस का चिन्ह लगाइए, एक्स कट गया तो ये 3 को इधर भेज दीजिए। कैसे देखिए 51 बटे यहाँ 15 बचा है तो ये 3 को इधर भेजेंगे माइनस को हो जाएगा। तो देखिए ये इस प्रकार से आपको करना है, मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ 2 बटे x बचा है, इधर हमारा बचा था कितना दोस्तों 51 बटे 15 बचा था, और माइनस का इधर जब हम भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, यानी कि हमारा कितना बचा था 3 बचा था, क्या 3 बचा था, तो दोस्तों भाई घटा लीजिए 3, यानी कि माइनस का 3 बचा था। जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 15 ही आएगा 3 का, ठीक है तो कितने बार में आया 15, तो दोस्तों यहाँ देखिए जब 3 बचा था तो 1 था तो कितने बार में 15 आया था दोस्तों 15 बार में, तो 15 30 15 30 45 हो जाएगा हमारा, कितना 15 30 45, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है 1 का कोई मान नहीं रहेगा 45 हो जाएगा। अब 45 में से 51 घटा दीजिए दोस्तों कितना आ जाएगा, तो देखिए 45 46 47 47 49 50 51 6, तो 2 1 9 2, और भाई काट लीजिए 2 3 6 हो जाएगा, और ये भी काट लीजिए 3 3 1 9 3 3 5 15, x = 5 इस प्रकार से आ जाएगा। थोड़ा लेंदी सवाल है, कम से कम 1.5 मिनट लग जाएगा, ठीक है मैंने आपको समझाया, लेकिन आप लोग करोगे तो 1.5 मिनट से कम नहीं लगेगा, ठीक है चलिए। तो दोस्तों उसमें 5 आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, ये आप लोग उड़ा दोगे, ठीक है तुरंत उड़ा दोगे, मैं इसका तरीका आपको बता देता हूँ, देखिए तुरंत कर लोगे 75 और देखिए 75 75 का गुणा करोगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 5625, यानी कि 5625 आ जाएगा दोस्तों जब हम 75 75 का गुणा करेंगे, आपको गुणा आना चाहिए भाई, ठीक है 75 75 का गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 5625, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद ये, 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, तो 56.25 आएगा। उसके बाद प्लस लगा है तो प्लस ये 37.5 लिखा है, 5 लिख लीजिए, 25 25 का गुणा होता है 625, तो भाई 625 लिख लीजिए प्लस का 625, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो 6.25, ठीक है। अब इन सब को जोड़ लीजिए भाई, वही आंसर आएगा, जोड़ने पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 100, ठीक है जोड़ लीजिए, जोड़ने पर आ जाएगा 100, जोड़ लीजिए, जोड़ घटाना तो आता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूर्ण रूप से सरलीकरण समाप्त करा दिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, और कोई नया चैप्टर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।